हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो आपको दूसरा, अभी पिछले लेक्चर में मैंने राइजोपस के बारे में बताया था, उसे हम शैवाली कवक कहते हैं। अब जो हम तुमको बताने जा रहे हैं ईस्ट की संरचना, एस्कोमाइस्टिस पहले पढ़ाया था फाइकोमाइस्टिस वर्ग से राइजोपस के बारे में, अब बताने जा रहे हैं एस्कोमाइस्टिस से ईस्ट के बारे में। ईस्ट को हम लोग पोस्ट कवक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोस्ट कवक, सेक फंजाई। तो जगत हो गया पादप जगत, उप जगत हो गया थैलोफाइटा, फाइलम हो गया आपका कवक। ओके, समझ रहे हो जो हम बोल रहे हैं? ये इसका वर्गीय स्थिति के बारे में आपको बताया जा रहा है। फिर क्या था? उपवर्ग था हीमी एस्कोमाइस्टिस, और इसका ऑर्डर वो था एंडोमाइसिटेलिस। वंश जो था, वंश हो गया आपका साइकेरोमाइसिस, और स्पीशीज कई होती हैं, तो साधारण चीज आपको बताई जाएगी सेरेवेसाई। ठीक है, सर्वप्रथम क्या था? ईस्ट, इसे खमीर के नाम से भी जाना जाता है। ये कुछ कुछ अंडाकार सी होती है, इस तरीके से ये हमने अंडे के आकार की बना दी। ओके, सभी को क्लियर भी समझ में आ जाएगा आपको। और इसमें जो हम आए तो हमने साइड में थोड़ा सा इतना गैप इसमें रख दिया, और जो बाहर की बाउंड्री दिखाई दे रही थी उसका नाम हो जाएगा सेल वॉल। ठीक है, जहां पर सेल वॉल शब्द आ जाता है तो आप मान के चलिए वो प्लांट हो गया। इसमें जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन प्रकार का होता है, एक होता है हैप्लॉयड, एक होता है हैप्लोबायोटिक टाइप, डिप्लोबायोटिक टाइप, और एक लास्ट में होता है हैप्लो डिप्लोबायोटिक टाइप। इसे कोस्ट कवक इसलिए बोला गया, ये खोखला होगा, सेक फंजाई। ठीक है, इसका जो माइसीलियम है यह डबल रोटी बनाने के काम में आता है, आर्थिक महत्व में इसका यही सबसे पहला प्रयोग है। ये आपने है, इसमें जो मैं दिखा रहा हूँ येलो रंग में, ये आपकी हाइलाइन लेयर है। ठीक है, इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है वो सघन नहीं होगा, डॉटेड डॉटेड दिखाया जाएगा। बहुत ही अच्छा डायग्राम आता है इसका, और ये फर्स्ट ईयर में इम्पॉर्टेंट है। दो संगी आपके कोर्स में है, एक राइजोपस है और दूसरा ईस्ट। इस तरीके से ये हमने आपको दिखाया। ओके, फिर हमने जो है इसमें ये एक सजाने के लिए हमने ये साइटोप्लाज्म दिखा दिया। ओके, ये बहुत ही खूबसूरत डायग्राम है, और इसमें बीचों बीच में ये हमने एक न्यूक्लियस दिखाने का प्रयास किया है। ये सभी को अच्छा सा डायग्राम मिल रहा है ये, और इसको हमने इससे आपस में कनेक्ट किया, इसको ऐसे जोड़ दिया, अब ये अंडे के अंदर अंडा टाइप में बन गया। इसके ऊपर विशेषता क्या है कि ये जो एक गोला मैं दिखा रहा हूं ये सेंट्रोसोम है, और इसी के ऊपर एक यहां पर मैंने एक गोला दिखा दिया, ये सेंट्रियल हो गया। ये स्टार के रूप में होता है, थोड़ा वर्टी टाइप में ऐसे दिखाया जाएगा। अभी मैं इसका नामांकन करूंगा तो आपको जानकारी दूंगा ये। ठीक है, अब क्या था, अब इसमें साइटोप्लाज्म दिखाना है, तो इस तरीके से हम डॉटेड डॉटेड बनाएंगे। ये भी बिल्कुल आपको चमकदार दिखाई देने लगेगा। ओके, इसलिए इसे हम लोग सेक फंजाई और राइजोपस को शैवाली कवक के नाम से जाना जाता है, शैवाली कवक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा?
और अभी आपके सामने इसकी लेबलिंग करूंगा, उसको ध्यान से देखिएगा। ये हमने डॉटेड डॉटेड रूप में दिखाया हुआ है, इसी में माइटोकांड्रिया पाया जाएगा, ग्लाइकोजन है संचित भोजन दिखाया जाएगा, क्रोमोसोम्स दिखाए जाएंगे, ठीक है। और देखिए ये इस तरीके से हम यहाँ पर आ गए। ये तो सर्वप्रथम जो लेबलिंग थी वो आपकी, हम यहाँ से ओपनिंग करेंगे। ये जो वाइट रंग की चौक दिखाई दे रही है इसका नाम हो जाएगा सेल वॉल, हिंदी में बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या सी से लेबलिंग हुई है और फिर इसी से यहां पर आ गए, फिर सी से लेबलिंग कर देंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मींस हो गया कोशिका द्रव्य, दानेदार कोशिका द्रव्य होता है, ठीक है। फिर इसमें हम आ जाएंगे तो इसके अंदर हमने ये आपको कुछ आसमानी रंग के धागे दिखाए जा रहे हैं, एक दो तीन, और इस तरीके से हो गए, तीन ही बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हमने इस तरीके से ये दिखाया, और यहाँ पर ये अंडाकार न्यूक्लियोलस हो गया, इसको केंद्रिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो साइटोप्लाज्म हो गया। साइटोप्लाज्म के बाद में सी से ही लेबलिंग रखने के लिए हमने आपको ये चीज इतनी बढ़ा दी। ये जो आसमानी धागे दिख रहे थे इनका नाम हो जाएगा क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम, इसको हिंदी में बोलते हैं गुण सूत्र। तीन सी हो गए आपके, और यहाँ पर फिर हम आए तो ये हो जाएगा, फिर सी से लेबलिंग है वो भी करे देता हूँ। ये जो आपको मैंने ऊपर बताया था इसका नाम था, क्या नाम बताया था, सेंट्रोसोम, ठीक है, सेंट्रोसोम। और फिर सी से लेबलिंग जो आसमानी रंग की दिख रही है यहाँ पर, इसका नाम होगा सेंट्रियोल। क्या हो जाएगा? सेंट्रियोल, ठीक है। और ये फिर सी से लेबलिंग हो जाएगी, ये जो व्हाइट रंग में दिखाई दे रही है इसका नाम हो जाएगा सेंट्रोक्रोमेटिन। आपको मैंने तीन और तीन छह लेबलिंग सी से बताई, फिर अब जो लेबलिंग थी ये सेल वॉल के बीच में जो जगह दिखाई दे रही है इसका नाम होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका नाम हो जाएगा हिंदी में जीव कला, दूसरा नाम हो जाएगा कोशिका कला। कला जब शब्द यूज किया जाता है तो उसका हिंदी मीनिंग कला है, इंग्लिश मीनिंग जो है मेम्ब्रेन है। ओके, इतनी लेबलिंग है समझ में आई। अब हम लोग आए तो इधर की ओर आए, क्योंकि हम इधर कुछ लेबलिंग बता देंगे। तो ये जो लेबलिंग दिखाई दे रही है इधर, इस खोखले बॉक्स को हम लोग लेबलिंग देंगे न्यूक्लियर वैक्यूल। क्या? न्यूक्लियर वैक्यूल, क्या नाम हो जाएगा? न्यूक्लियर वैक्यूल। ओके, इसका नाम हो जाएगा हिंदी मीडियम में केंद्रक या केंद्रकीय रिक्तिका। इसी से संबंधित, अब एन से संबंधित है तो इसका नाम हो जाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले द्रव को न्यूक्लियोप्लाज्म। ये हो गया कोशिका द्रव्य, ठीक है।
अब इसमें जो है कुछ पार्ट्स दिखाए जाएंगे। जैसे मान लो हमने कई जगह पर ये येलो रंग के गोले बनाए और उसके अंदर ऐसे दिखा दिया, इसको आप एक जगह ना होकर कई जगह दिखाएंगे, ठीक है। ये येलो वाले, तो इनका नाम होगा वॉल्यूटिन, ग्रेन्यूल, ठीक है। ये वॉल्यूटिन कण बोला जाएगा, वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल हो गया। फिर अब हमने क्या किया, आपको कहीं पर दूसरे कलर में दिखाएंगे हम इस तरीके से, ये आपका ग्लाइकोजन हो जाएगा। कई जगह दिखाओगे आप, एक ही जगह नहीं, दो तीन जगह आप दिखाएंगे इस तरीके से, और इसका नाम हो जाएगा ग्लाइकोजन। संचित भोजन किस रूप में होता है, ये हो गया ग्लाइकोजन। जैसे मनुष्य के शरीर में भोजन किस रूप में संचित रहता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है। फिर इसमें हम कहीं कहीं पर ये पर्पल कलर में दिखा रहे हैं, ये ऑयल ड्रॉप्स है, इसको भी आप दो तीन जगह दिखा देंगे इस तरीके से, और इसकी भी लेबलिंग कर देंगे, ये हो जाएगा ऑयल ड्रॉप्स। ड्रॉप्स मीन्स हो जाएगा वसा की बूंदें, ठीक है, फैट्स, वसा की बूंदें। अब एक लेबलिंग का टॉप है यहाँ पर, तो उसको देखो, इसमें ये मैंने ग्रीन रंग की चौक में दिखाया हुआ है, थोड़ा सा मैंने सबकी अपेक्षा इसे बड़ा बना दिया है, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया। सभी जानते हैं ये मेन है, इसको हम लोग एक नाम देते हैं, इसलिए मैंने इसका नाम सबसे आखिरी में रखा है, इसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम कोशिका का पावर हाउस भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, पावर हाउस। और आखिरी एक लेबलिंग और है, वो जो सबसे पहले चालू की थी किनारे किनारे, उसका नाम हो जाएगा हाईलाइन लेयर, हाई लाइन, काचाव स्तर बोला जाता है। ये जो पीले पीले डॉटेड में दिखाई दे रहा है, सबको इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है, एक कोशिकीय साधारण संरचना होती है, कैसी साधारण संरचना होती है, प्रत्येक कोशिका का व्यास जो होता है 10 माइक्रोन तो होता है, ये कुछ कुछ गोल अंडाकार होती है, प्रत्येक कोशिका रंग में काचाव होती है, काचाव शब्द यहाँ यूज किया है, हाइलाइट, और इसके चारों ओर एक कोशिका भित्ति होती है जिसको हम लोग सेल वॉल के नाम से जानते हैं, ये बता दिया, और सेलुलोज की बनी होती है। इसके भीतर जो होता है जालीनुमा न्यूक्लियो प्रोटीन परत होती है, इससे सटी हुई कोशिका द्रव्य की बाहरी दीवार प्लाज्मा झिल्ली जिसको हम लोग ये दिखाई दे रहे हैं होती है, और कोशिका के मध्य में एक बड़ी रिक्तिका में केंद्रक उपस्थित होता है जिसको नाम हमने दिया है न्यूक्लियर वैक्यूल, ठीक है, रिक्तिका युक्त होता है। इसमें क्या होता है, सेंट्रोसोम को हम लोग तारक काय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तारक काय के नाम से जाना जाता है, और इसके चारों ओर क्या होगा, आगे ये कह रहा था रिक्तिका हो गई सेंट्रोसोम, जो कि चारों ओर हेट्रोक्रोमैटिन, तो हेट्रोक्रोमैटिन शब्द यूज किया गया है, तो हमने उसको लिखा हुआ है सेंट्रोक्रोमैटिन। टू टाइप्स क्रोमैटिन होती है, एक यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन, हल्के रंग के और चटक रंग की होती है। सेंट्रोसोम के संपर्क में एक बिंदु, वो बिंदु आपको यहाँ दिखाया जा रहा है ये आसमानी कलर में, जिसका नाम रखा गया है सेंट्रियोइल, होता है इसमें 5 या 6 क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। ये जो तुम्हें दिखाया जा रहा है ये इस तरीके से 5
या 6 क्रोमोसोम्स होते हैं जो आपको हमने स्क्रीन पे दिखाया हुआ है, ठीक है। ये तो ये हो गया यीस्ट की संरचना के बारे में आपको बताया गया। हमने क्या बताया, वैगिकीय स्थिति में जगत, पादप जगत, उप जगत, थैलोफाइटा, संघ, एस्कोमाइसिटीज, ठीक है, और फिर जो है संघ के बाद उपवर्ग हीमी एस्कोमाइसिटीज, फिर आपका क्रम एंडोमाइसिटीज, सिटेलीज, वंश जो था सैकेरोमाइसिस, और जाति जो थी उसका नाम हो वंश सैकेरोमाइसिस और जाति सेरेब्रेसाई, ठीक है, क्लियर हो गया। तो उसको जो है ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ ईस्ट सेल हो गया। ओके, फिर बाकी आप